बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों। हमेशा की तरह से उम्मीद के साथ कि आप सब बख़ैर वाफियत रहे होंगे। आज मैं एक झाड़ी में घुसा हूँ। ये झाड़ी पता नहीं आपको नजर, हाँ ये झाड़ी, आप इसका पता चेक करें। ये इसको आप बताएं अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी बड़ी तकदों के बाद इसके पीछे घुसा हूँ। ये देखें कितनी सी जगह से मैं आया हूँ और स्पेशल इस चीज़ के लिए इसके पास आया हूँ कि इसके साथ एक बहुत ख़ास चीज़ लगती है। फुल ऑफ मिंट होता है और मतलब एक मिर्चों वाला नहीं होता लेकिन मिर्चें होती हैं। तीखा नहीं होता, तीखा लगता नहीं लेकिन तीखा होता है। मैंथोल भी होता है, यानी कि एक ऐसा जायका इस चीज़ का कि जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हम अपनी ज़बान में इसको टिम्बर बोलते हैं। बहुत मुश्किल से इसके पास आके बैठा हूँ। ये देखें, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ फोकस करने के लिए। ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये भरा हुआ था, काफ़ी सारे मैंने उतार लिया। ये एक छोटा सा दरख्त है, ये देखें, छोटा सा पौधा आप समझ लें। इसके साथ ये सारे लगे पड़े और एक टहनी के साथ इतना कुछ है। और इस तरह के साथ से मैंने ये काफ़ी सारा उतार दिया। इसको हम कुछ लोग तिमर बोलते हैं, कुछ लोग तिम्बर बोलते हैं और कुछ लोग इसको चाइनीज़ ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। इस रूख के बिल्कुल ब्लैक, चाइनीज़ ब्लैक पेपर की तरह हो जाता है लेकिन पेपर होती नहीं है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा भी, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएं। बहुत बहुत लजीज और बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि लज्जत में लज्जत दुबाला कर दे, इसकी इस तरह की जो है ना सॉस बनती है। हम यूजली ग्रीन ही यूज़ करते हैं लेकिन जो चाइना पेपर के नाम से आता है वो इसको सुखा के इसको ब्लैक पाउडर बना के वो आपकी मार्केट में उस नाम से आ रहा है। ये माशाल्लाह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और एजे के में खासकर इसकी बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। दो से तीन किस्में होती हैं, किस किस्में काफ़ी फ़र्क सिर्फ इतना होता है किसी में कांटा ज़्यादा होता है। देखें आपके सामने इसके कांटे कितने ख़तरनाक हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। ये सख्त कांटा है और आपके जिस्म में पूरा घुस सकता है। इसके अलावा और एक नस्ल होती है जिसमें ये तिमर तो लगता है लेकिन इसके कांटे जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। अभी मैं इसको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस किया था मैंने, कोशिश करते हैं दोबारा। एनी हाउ आपको इतना मैंने दिखाए कांटे इसके, ये इसके कांटे होते हैं जी। तो ये रहा हमारा तिमर, पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। तो आज मैंने आपको इसी से मिलाना था, छोटा सा व्लॉग था मेरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से रहेंगे, खुश हैं, खुश रखें। और इसकी अफादियत के बारे में मुझे लाजमी बताइएगा, अगर मुझे इसकी अफादियत फर्दर कुछ पता चली तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिशगुजार करूँगा आपके। इससे बहुत सारे फ़ायदे, मैदा दुरुस्त रहता है और आपका हाजमा दुरुस्त रहता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट र्यूमर्स हैं, मुझे साइंटिफिकली सच इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन ये कि ये टेस्ट में बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मैं इसको चुन रहा हूँ। आज काफ़ी अर्से से मैंने कोशिश की इसको चुनने की लेकिन वक्त की किल्लत के बायस जो है ना मैं इसको सही तरह से चुन नहीं सका। आज मैंने चुना है इसमें काफ़ी सारा, कोशिश करूँगा उसको फिनिश करके आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करूँ। तब तक बने रहें मेरे साथ, देखते रहें मेरा चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से रहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में मुझे याद रखेंगे। तब तक के लिए आई एम दानिश फजल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।